This is funny, sir. Funny? This is abnormal. This is almost supernatural. MRI report के मुताबिक patient का दिमाग बिल्कुल तंदुरुस्त है, बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, जबकि उसकी recovery एकदम nil. नहीं डॉक्टर गुप्ता, नहीं. फिर तो तकरीबन 90% कम हो गए हैं. Yes. But what I am trying to say is के इंसान का दिमाग कितना अजीबोगरीब होता है. Dr. Ali, this is the most intriguing thing in the world. मैं अक्सर अपने आप से सवाल करता हूं कि हमारे शरीर के हर हिस्से को दिमाग कंट्रोल करता है, लेकिन दिमाग को कौन कंट्रोल करता है? Dr. Ali, साइंस का ये सवाल भी मजहब के उसी सवाल की तरह निरुत्तर है कि इस दुनिया को भगवान कंट्रोल करता है, तो फिर भगवान को कौन कंट्रोल करता है? कोई जवाब नहीं. जवाब है डॉक्टर गुप्ता, जवाब है. ये परमात्मा या खुदा, आप जो भी नाम दें, वो तो सनातन है, इटर्नल. उसकी तुलना आप दिमाग से करें ये सही नहीं है. इफ यू वॉन्ट टू ड्रॉ अ पैरेलल, यू कैन से कि सबसे ऊपर खुदा है जो सनातन है, उसके बाद खुदा का भेजा हुआ खास पैगंबर है, और उसके बाद आम लोग हैं. खुदा जो है वो कंट्रोल करता है पैगंबर को, पैगंबर कंट्रोल करता है आम लोगों को. नाउ यू ड्रॉ द पैरेलल. हमारा शरीर जो है वो आम लोगों की तरह है, दिमाग जो है वो पैगंबर की तरह है, और उसे जो कंट्रोल करती है वो है इंसान की आत्मा, जो खुदा का प्रतीक है, जो सनातन है. डॉक्टर अली, अगर तुम डॉक्टर ना होते तो पीड़िया फकीर होते हैं. बनना तो वही चाहता था, लेकिन एडमिशन नहीं मिला. डॉक्टर अली, दुआ करो कि अमृता की आत्मा भी स्ट्रांग हो और उसके दिमाग को आदेश दे और वो जाग जाए. क्या स्कोर क्या हुआ? किस चीज का? नहीं, इस हॉस्पिटल में रहने का स्कोर. अगर एक महीना हो गया तो हैप्पी एनिवर्सरी बोलू. आप प्लीज चुप रहेंगे? हाँ, चुप रहना है मंगल, नहीं तो तू ट्रस्टी को जाके बोलेगा अंकल अंकल ये जादव मेरे को हैप्पी एनिवर्सरी बोलता है, उसकी कट्टी कर दो. प्लीज गो अवे, आप जाइए ना यहाँ से. चमचा अंकल अंकल चमचा. शट अप, ओके, जस्ट शट अप. चमचा, क्या बात है रोहित, आपको क्या तकलीफ है भाई साहब? चमचा भाई, तुम्हारे छोकरी का नवरा चमचा छोटी छोटी बात पर शिकायत करता है. अच्छा, तो सबका फायदा हुआ तब महान लगा था, और अब चमचा. छोड़िए ना दादी माँ. ए चमचे, देखिए आप. अरे छोड़िए ना दादी माँ, वो ऐसा ही है, आप क्यों उसके मुंह लगती हैं? कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं यहाँ. और वो कहाँ गई? वो मेरे रमेश धर्मेश के कॉर्डलेस मोबाइल है. वो घर गई है पूरे 20 दिन के बाद. तुम घर कब जाओगे? या रिकॉर्ड बनाना चाहते हो सबसे ज्यादा दिन तक घर से दूर रहने का? यहाँ बैठे बैठे घुटन महसूस नहीं होती, ऊपर से ये नमूने भी. 2-4 दिन का ब्रेक लेकर घर हो आप. अरे दादी माँ, ये कोई नौकरी थोड़ी है कि मुझे ब्रेक लेने के लिए छुट्टियाँ लेनी पड़े. फिर भी बहुत दिन हो गए हैं, और थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा ना
तो ऐसे नमूनों को सहने की ताकत भी मिलेगी। हुआ कुछ दिन अपने घर हुआ। नहीं दादी माँ, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। वहाँ जाऊँगा तो खामखा अमृता की फिक्र लगी रहेगी। यहाँ रहने से कम ये तसल्ली तो है कि मैं उसके साथ हूँ, उसके करीब हूँ। अरे बाबा, अपनी खातिर नहीं, अपने घर वालों की खातिर तो सही, तुम्हारी माँ को भी अच्छा लगेगा। दादी माँ, इस वक्त मैं अमृता के अलावा और किसी की फिक्र नहीं कर सकता, ना अपने आप की और ना माँ की। पर बेटे, सिर्फ कॉफी, कुछ खाने को ले लाएं। क्या दिख रही है तू? तुझे क्या? सुन, तू जरा रुक, मैं अंदर जाके आता। क्यों? काम है। मुझे काम है। ठहर, मेरा भी काम है। अमृता का बिल, खाली बेड चार्जेस और फिजियोथेरेपी ओनली। ये बिल रोहित को दे दो और उससे कहो कि मुझे यहाँ आके मिले। सायोनारा। क्या डिस्चार्ज? और क्या? क्यों? अरे कल देना था, आज दे देंगे, वो लोग भी खुश, हम भी खुश। पर मैंने ना ये रोहित जैसा टेढ़ा आइटम आज तक नहीं देखा। क्यों? देख तो, ऐसी टॉप मस्का लड़की को ये टकलिया खड़ूस कैसे पसंद आ गया, नसीब। तुझे क्या हा? काम कर अपना। सुन तो, आती क्या खंडाला? रोहित, आई मस्ट से कि अमृता की कंडीशन में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। जी हाँ, वो डॉक्टर गुप्ता भी यही कह रहे थे। हाँ, वो कह रहे होंगे कि अमृता स्टेबल है, नीदर गुड नॉर बैड, जस्ट स्टेबल। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अमृता की कंडीशन में बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट हुई है। देखो, मैं गुप्ता जी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, यू नो ही इज अ वेरी सेफ प्लेयर, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। जो है जैसा है मैं वैसा ही कह देता हूँ, इसीलिए मैं बदनाम हूँ, इसीलिए मेरी जुबान जरा कड़वी है। और फिर मैंने ये प्रोफेशन कोई शोहरत के लिए या नाम कमाने के लिए नहीं अडॉप्ट किया है। वो सब तो ठीक है डॉक्टर, लेकिन आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों? ये बताने के लिए कि अमृता को आईसीयू में रखकर तुम पैसा और वक्त दोनों बर्बाद कर रहे हो, तुम उसे घर ले जा सकते हो। व्हाट? हाँ, यू सी, अब धीरे धीरे उसके होश में आने का प्रोसेस शुरू होगा। हो सकता है इस काम में वक्त लग जाए, लेकिन ना तो उसे आईसीयू की जरूरत है और ना किसी मेडिसिन की। ऑल शी नीड्स इज टाइम, और वक्त हर जगह एक जैसा होता है, चाहे वो आईसीयू हो, वार्ड हो या फिर घर। रियली डॉक्टर? यस, आई मीन इट। तुम अमृता को कल घर ले जाने की तैयारी करो, मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार करवा दूंगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर, मां तो इस केस की इंचार्ज है या मैं इस केस का इंचार्ज हूं? हां, लुक, शी इज माय पेशेंट, उसे कब डिस्चार्ज करना है कब नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है। ओके डॉक्टर गुप्ता, आप खामखा एक ईगो हैसल खड़ा कर रहे हैं। डिस्चार्ज आप कर रहे हैं या डॉक्टर माथुर? मुझे सिर्फ अमृता के डिस्चार्ज से मतलब है, और मुझे उसकी जिंदगी से मतलब है, उसकी सही देखभाल से मतलब है। कम ऑन, डोंट बी चाइल्डिश, वो तो घर पे भी हो सकती है। ये बात तुमसे किसने कही? डॉक्टर माथुर ने? जी नहीं, ये मैं खुद महसूस करता हूँ। तुम क्या महसूस करते हो, मैं इस बात की परवाह करूँ या अपने पेशेंट की परवाह करूँ? हाँ, चार दिन अस्पताल में रहने से कोई डॉक्टर नहीं बन जाता रोहित। अच्छा, तो अब आप डॉक्टर माथुर को भी डॉक्टर नहीं मानते? मैं डॉक्टर माथुर की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूँ। डॉक्टर माथुर ने कुछ कह दिया और तुम्हें लगा अचानक कि अमृता को मुझे घर ले जाना चाहिए। दरअसल घर जाने की जरूरत तुम्हें है, तुम थक गए हो इस माहौल से, तुम्हारे दिमाग पर बहुत असर कर रहा है। सवाल माहौल का नहीं है डॉक्टर, जरूरत का है। और अमृता की जरूरत यह है कि उसे अस्पताल में ही रखा जाए, बल्कि आईसीयू में। क्यों? ताकि रोज बरोज आपका आईसीयू का बिल बढ़ता रहे, आपकी फीस बढ़ती रहे, आपका मीटर डाउन रहे। कभी कभी विश्वास नहीं होता कि तुम मिस्टर बख्शी जैसे कल्चर आदमी के बेटे हो। ये तुम्हारा अंदाज, ये एटीट्यूड, ये भाषा, ये सब बहुत ही घटिया है। ओके, तुम अमृता को घर ले जाना चाहते हो ना? ओके, यू आर मोस्ट वेलकम, टेक हर होम। लेकिन उसे कितनी देखभाल की जरूरत है ये तुम तय नहीं करोगे। कम कम, मैं दिखाता हूं तुम्हें। आओ, तुम्हें शायद लगता होगा कि यहां में और घर में ऐसा क्या फर्क है। तो डॉक्टर, मैंने ऐसा कब? शट अप, जस्ट शट अप। सिस्टर, गिव मी द चार्ट। यस डॉक्टर। इसे जरा गौर से देखो, सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक का अमृता का पूरा डेली शेड्यूल है। इसमें स्पॉन्ज बाथ से लेकर ऑयल मसाज, फिजियोथेरेपी, यहां तक के यूरिन मसाज भी दिया जाता है।
एक्यूप्रेशर थेरेपी भी की जाती है। हर आधा घंटे बाद उसकी पोजीशन चेंज की जाती है बॉडी की। हर दो घंटे के बाद इसे ऑयल मसाज दिया जाता है जिससे कि हाथ पांव और पीठ पर छाले ना पड़ जाए। यहाँ का रूम टेम्परेचर 24 घंटे इसकी बॉडी के हिसाब से मेंटेन किया जाता है। मैं मानता हूं कि हम अब इसका कोई इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब जो भी इंप्रूवमेंट होनी है वो खुद तक खुद होनी है, लेकिन इलाज से ज्यादा जरूरी है इस समय नर्सिंग केयर, और वो तुम अपने घर में कभी नहीं दे सकते। लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने अमृता को डिस्चार्ज करने की बात सोची ही कैसे। Why? आओ बैठो। अब जरा मेरी बात गौर से सुनो। अमृता इस अस्पताल के लिए कोई प्रॉफिटेबल पेशेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर अब उसका कोई इलाज नहीं हो रहा। ना ही कोई एक्सरे लिया जा रहा है, ना ECG, ना CT स्कैनिंग, ना MRI, और ना ही किसी किस्म की दूसरी दवाइयां। यानी कि अमृता अब इस अस्पताल के लिए पूरी तरह से अनप्रॉफिटेबल पेशेंट है। बेहतर यही है कि इस बात से ही तुम पूरी बात समझ जाओ और इस टॉपिक को यहीं खत्म कर दो। अगर तुम्हें कुछ सोचना ही है तो जिंदगी की अच्छी बातों के बारे में सोचो। ये सोचो कि शादी के बाद तुम अमृता को हनीमून के लिए कहाँ लेकर जाओगे। थिंक अबाउट ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, गुड पीपल, गुड मोमेंट्स, दैट विल मेक यू फील बेटर। आई एम सॉरी डॉक्टर, आई एम रियली सॉरी। दैट्स ओके, दैट्स ओके। न्यूरोलॉजी की पढ़ाई करते करते थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की पढ़ाई भी सीखी है मैंने, और इतने दिनों के बाद इतना तो कह सकता हूं कि तुम कान के बहुत कच्चे हो। किसी ने कुछ भी कह दिया और तुमने उस पर विश्वास कर लिया। यू आर टू गलीबल। यू आर राइट डॉक्टर। अमृता भी अक्सर कहा करती थी कि मैं कान का बहुत कच्चा हूं। अच्छा एक मिनट, मुझे बताओ कि तुमसे ये किसने कहा? अदिति ने कहा। अदिति ने? जस्ट वेट, मैं उसको उल्टा लटका के मारूंगी, एंड तुम्हें भी मारूंगी फॉर दैट मैटर। तुम्हें पता है पिछले 2 साल से वो हमारा ब्रेकअप करने की कोशिश कर रही है और फिर भी उसकी बातों में आ गए तुम। बड़े कच्चे कान के निकले। मैं कान का कच्चा हूँ? मैं? और तुम बहुत समझदार हो ना, बहुत मच्योर हो। तभी उस राहुल जैसे मवाली के साथ गई थी जंगल में मंगल करने। बात करती है। Are you jealous? Rohit? देखो देखो देखो, jealous? Yes, you are jealous. और अगर तुम jealous हो तो इसलिए हो because you love me. तो ठीक है, जलते रहो और हमें चाहते रहो और हम आपको कुछ नहीं बताएंगे। मैं पूछूंगा भी नहीं क्योंकि मैं सब कुछ जानता हूँ। Okay. Okay, fine. कहाँ गई थी तुम? मैं राहुल के साथ गई थी जंगल में मंगल करने, और हम दोनों पता है वहाँ बैठ के पेड़ पौधे लगा रहे थे। पहले दोनों अलग अलग बैठे थे और फिर एक पॉइंट पे जाके हम दोनों का हाथ एक ही पौधे पे पड़ गया। यू म्यूजिक। फिर हम दोनों ने मिलके उस पौधे को पकड़ा और एक खड्डे में रखा। फिर दोनों ने मिलके उसमें मिट्टी डाली। फिर दोनों ने एक साथ मिलके उसमें पानी डाला और फिर उस पौधे के जगह एक पेड़ उग गया। बहुत ही हैंडसम पेड़ था। और फिर उस पेड़ ने हमारे गले में बाहें डाली और कहने लगा, अमृता मामा थैंक यू सो मच, राहुल पापा थैंक यू एवर सो मच। थोड़ा एंडिंग चेंज करें, अनकन्वेंशनल बनाते हैं। अच्छा। एक बहुत बड़ा तूफान आया और वो पेड़ जड़ से उखड़ कर सीधा तुम्हारे राहुल पापा के सर पे जा गिरा। ए शट अप यार। यू शट अप, आई कांट टेक दिस एनीमोर। रोहित, नाउ यू आर क्रिएटिंग अ सीन। देखो अमृता, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो मुझे भी आ रहा है क्योंकि मैं राहुल के साथ नहीं थी। झूठ बोल रही हो तुम। पूरे 2 घंटे लेट आई हो और कपड़ों पर ये दाग, और तुम, मैं तुम्हें आज मम्मी पापा से मिलवाने वाला था, इसीलिए कहा था कि तुम अच्छे कपड़े पहन के आना। मैं अच्छे कपड़े पहन के निकली थी घर से तुम्हारे माँ बाप से मिलने के लिए। अब ऐसे तुम अपने मम्मी डैडी से नहीं मिलाना चाहते तो मत मिलाओ, लेकिन मैं राहुल के साथ नहीं थी। तो फिर तुम कहाँ गई थी? अरे अमृता कहाँ ले जा रही? आओ जस्ट फॉलो मी। लेकिन बात तो सुनो। जल्दी चलो। कहाँ ले जा रही हो? पानी है यहाँ से। अम्मा कौन? तुम आओ, अंदर आओ, बैठो ना, बैठो। ये कौन? ये रोहित है, मेरा डार्लिंग। और ये अम्मा है। नमस्ते अम्मा।
और ये कौन है मालूम? तुमको मालूम? अमृता। अरे नाम में क्या रखा है, नाम तो बहुत लोग का बड़ा बड़ा रहता है, ईश्वर देव, मगर निकलता है राक्षस। पर ये छोकरी को मैं जिंदगी में नहीं भूलूंगा, ये मेरा बाप है, मेरा माँ है। अम्मा अम्मा, मैंने क्या कहा था तुमसे? सारी सारी सारी, तुम बैठो, रुको, मैं तुम्हारे लिए चाय लाई हूं। अच्छा है, नहीं तुम रुको। हाँ हाँ, ये सब क्या है अमृता? अरे वही तो मैं तुमसे कहना चाह रही हूँ, मैं तुम्हीं से मिलने तो निकली थी घर से। अब बात सुनो, पूरी बात सुनो। मैं निकली तो मुझे रास्ते में एक बच्चा मिला और रो रहा था बुरी तरह से, तो मुझे लगा शायद भूखा होगा, इसलिए मैंने उसको एक बिस्किट ऑफर किया। जैसे ही मैंने उसको बिस्किट दिया, उसने झट मेरा हाथ पकड़ लिया। एंड यू नो समथिंग, हिज बॉडी वाज बर्निंग, इतना हाई टेम्परेचर था उसे। मुझे सामने एक डॉक्टर का क्लिनिक दिख गया, तो मैंने उस बच्चे को उठाया, मैं डॉक्टर के पास ले गई। फिर डॉक्टर ने उसे दवाई दी, इंजेक्शन लगाया और फिर मुझे सौंप दिया। एंड बाय देन दिस लिटिल किडो इतना कंफर्टेबल हो गया, मेरी गोद में सो गया। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको अपनी गोद में उठाया, आसपास की बस्ती में घूमने लगी और मैं गाने लगी जोर जोर से। लिसन टू दिस। किसका बच्चा है ये, जिसका है वो ले ले। इट वर्क, क्योंकि हुआ क्या, अम्मा अपने बच्चे को ढूंढ रही थी ना, उसने मेरी आवाज़ सुनी और फिर दौड़ी दौड़ी आई, और जैसे ही मुझे देखा उसने, रोहित, शी वॉज लाइक, अयो मेरा बच्चा करने लगी। फिर सब बस्ती मेरे सामने इकट्ठा हो गई एंड एवरीवन स्टार्टेड सेइंग, कितना अच्छा चौकरी है, भला चौकरी है, भगवान तुम्हारा भला करेगा, अच्छा चौकरी है, चौकरी 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 में मुझे टाइम लग गया और उसकी वजह से मुझे देर हो गई। और चिड़े बैठे थे तुम मेरे ऊपर, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई, प्रूफ चाहिए था ना तुम्हें, एंड यू थॉट मैं राहुल के साथ गई हूँ। अब हो गई ना बोलती बंद। अच्छा चौकरी, भला चौकरी। सुभद्रा, सुभद्रा, मैं अंदर हूँ। ओ, देयर यू आर। लो, प्लेट्स लाया हूँ, आई मीन केक लाया हूँ, स्टेला ने भिजवाया है। अच्छा बनाया है, फॉर अ चेंज, कास्ट रोहित के वास्ते बनाया है। नहीं वैसे थोड़ा तुम भी टेस्ट करके देख सकते हैं। रोहित को आज दावत होगी, आज मैं भी बड़े बनाकर ले जा रही हूँ। देयर इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन टू। यू सेड इट। अब उन्हें आंखें खुली हैं, धीरे धीरे पूरा होश भी आ जाएगा। गुड मैन, तुम भी टेस्ट करो। हाँ? बताओ कैसे हुआ है। श्योर श्योर। पर वेयर इज दैट मास्टर टेस्टर, वेयर इज दैट ओल्ड मैन गोविंदा? टेस्टमेंट एजेंसी, बायोडाटा देने। मैंने उनसे कहा है इस उम्र में नौकरी मिलना इम्पॉसिबल है, यू नो हिम, जिद पर अड़े हैं, ढूंढने दो नौकरी, व्हाट्स द हार्म, है ना। फिर मैंने भी बहस नहीं की, आखिर जिंदगी भर उन्होंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी। अब एक दो बार रोहित के पापा ने हॉस्पिटल का बिल भरा तो ठीक है, लेकिन हर बार अच्छा नहीं लगता है, इट डजंट लुक गुड, है ना। या मैन, अब मुसीबत आई है तो आई है, हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। या मैन, तो नहीं सर हिलाकर याया क्या करते हो, जाओ अखबार ले लो और देखो उनके लिए, या इवन मेरे लायक कोई नौकरी हो तो। इट हैज बिकम वेरी नेसेसरी टू मी। हेलो। हाँ बोलिए अमित भैया, कहाँ से बोल रहे हैं? यहीं हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ। अच्छा रोहित, तुम थोड़ी देर के लिए नीचे आ सकते हो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन करवाने थे। अच्छा आप रिसेप्शन एरिया में वेट कीजिए, मैं पहुंचता हूँ। हाँ आप इन कपड़ों में? हाँ, मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई। अच्छा, और आप कहाँ चले? वो मेरे भाई साहब आए हुए हैं, उनसे मिलने जा रहा हूँ। ओके बाय। तो बाय।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.